किरात करने के लिए वृंदावन गए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण था, एक युवक ब्राह्मण था। पाखे जो थे सेवा करे आई थे, से तंगा सेवा करे तो आराम कर दे। तावर से करते कर दुमन जी सेवा कर। फाइनाली आमे एबे साखियो बारे पहुँचि गलु। वर्तमान राधाराणी मंदिर को जाइके आपमानंकु राधाराणी मंदिर देखेबा सहित सत्यवादी वन विद्यालय ब्लॉक करके देखेबी। तेणु चलत दर्शक बंधु वर्तमान देखा हाँ सत्यवादी वन विद्यालय देखते मुझे साक्षा स्टेशन में ढड़ा होती। जय साखी गोपनाथ। दर्जन ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए वृंदावन गए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण था, एक युवक ब्राह्मण था। जो वृद्ध ब्राह्मण का सेवा करने के लिए युवक ब्राह्मण उनका साथ में गया था। तो वृंदावन के पास में जो वृद्ध ब्राह्मण का शरीर भूखार हो गया, इसीलिए जो युवक ब्राह्मण था उनका सेवा शुश्रूषा करके उनको आराम कर दिया। वो बोला, तूने जैसा हमारा सेवा किया, हमारा घर में हम तो रुपया पैसा देगा तेरा पास में नहीं रहेगा, इसीलिए हमारे घर में एक लड़की है तुम्हारे साथ में शादी देंगे, वो हर वक्त तरह सेवा करते रहेगा। वो बोला, देखो आप अभी बोल देते हैं घर में जाएगा बेटर लोग इनकार करेगा कैसे होगा ना, हमें भगवान के पास में जल जल धर के शपथ करते हैं और जरूर बेटी की तुम्हारे साथ में शादी देगा। इसीलिए वो घर में आ गया, बेटर लोग इनकार कर दिया। इसीलिए वो पीछे वो राजा के पास में गया ब्राह्मण ने। राजा ने बोला, क्या ना वो बोल दिया था बेटी के पास में हमारे साथ में शादी देंगे, अभी नाराज होता है ना साखी को ना कृष्ण कन्या हमारे साखी है ना, जो जो जाके इनको ले आएगा तेरा कैच फैसला हो जाएगा। इसलिए 721 कोस को पैदल में गया, वृंदावन के पास मानोसन किया। फिर से भगवान स्वप्न दर्शन बोला, तुम चली जाओ, हम राजा को स्वप्न दर्शन बोल देंगे तेरा काम हो जाएगा। वो बोला, ऐसे नहीं होगा, तुम हमारे साथ में जाएगा, नहीं जाएगा तो हम यहाँ प्राण विसर्जन करेगा। इसलिए फिर भगवान दो दिन के बाद में भगवान बोला, 200 में हम तेरा साथ में जाएंगे, तुम आगे आगे जाएंगे, हम तेरा पीछे पीछे जाएंगे, तुम जहाँ मुड़ के टका देंगे हम वही पाषाण हो जाएंगे। इसी में वो आगे आगे ब्राह्मण पीछे पीछे भगवान ऐसे आया। यहाँ रत्नचीरा नदी था, रत्नचीरा नदी का बोला, आप हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमको कैसे याद है, हमको कैसे बुझेगा ना, हमारा पाँव में नुकुरी हाथ में बांसुरी, इनका आवाज़ सुनते सुनते तू जाएगा। यहाँ भगवान का माया हो गया और नुकुर पाली में डूब गया।
फंसी का आवाज दूर से चला गया हवा में, या भगवान जी ब्राह्मण ने पीछे टका दिया, ब्राह्मण भगवान नहीं पासन हो गए, इसलिए उनका नाम है सखी गोपाल। सखी देने के लिए भगवान आए थे, उनका नाम है सखी गोपाल। घर पड़ी दु जन ब्राह्मण तीर्थ करा वृंदावन जाइए, जड़े वृद्ध बाहन थे जड़े शिव बाहन थे। वृद्ध बाहन शरीर जो असुस्थ होगा जोग बाहन जो पाखे जो थे सेवा कर सेवा करते आराम करदे। तापर से कह देख तुम जी सेवा कलु हाँ घरे मोर गोटे झी अच्छी मो झी तोर सकते बहुत देवी से सब तोर सेवा कर घर आईला इन पिला मैंने सब इनकार करदे कह देख आम ये गरीब लोक आम बहुत की आने सकते बाहर देवी तब दीजे झगड़ा है तुम्हें पुणी गले जा रजा पास फेरा दी हेल्ले रजा कह तोर साखी किए अच्छे ना कृष्ण कन्या मोर साखी अच्छा साखी तक नहीं आसबू ता तोर साखी कैश पैसा हो जाठी अनुसंधान कला गुहारिया पड़ा ठाकुर कह तु चली जा मुझे सब स्वप्न से कहीदेवी से रजा तोर कथा कैश पैसा होता सेमती हम आप मो सा नगले मुझे ये प्राण विसर्जन करी। तापर भगवान कहले तु जोड़े सत्य मुझे तो सांगे तू आगे जी मुझे पचे पचे जहाँ पचुक अनु तो सही पाषाण हो जाठी भगवान माया करदे ये गुप्त वृंदावन ये बाला जगहटा बाली ठाकुर पादर नुकुरटा डुबीगला वंशर आवाज दूर पड़ेगा भगवान ब्राह्मण कहला क्या भगवान रही गल कि पचर पचुक अनु द्वारा भगवान ये पाषाण हो गल रजा आसे से भगवान साखी देने दुई जन ब्राह्मण मतलब चार जन ब्राह्मण अच्छा ठाकुर को सेवा कर आपण भाईना आपको किसी मानने समय मान दे आपण को मत बहुत जय साखी जय साखी।